बीएसपी नहीं हारी है, 25 जुलाई को जो इलेक्शन है वो कराची के लोग हारे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी शायद उनके किस्मत में, कराची वालों के किस्मत में अभी गटर मिला पानी पीना है, पानी के बगैर प्यासे रहना है, कचरे में बच्चों को बीमार शायद अभी होना है, टूटी फूटी सड़कों पर उन्हें अभी सफ़र करना है, बगैर दवाओं के अस्पताल में गुजारा करना है और बगैर तालीम के बच्चों को बड़े होना है। इसलिए शायद अल्लाह ताला सही लोगों को, अच्छे लोगों को इख्तियारात नहीं दे रहा, इंतजामात नहीं दे रहा। तो अल्लाह से तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ जिस दिन अल्लाह ताला चाहेगा कि कराची के लोगों के हालात बदले, सिंध के लोगों के हालात बदले, पाकिस्तान के लोगों के हालात बदले, वो अच्छे लोगों को ले आएगा। तो हमने 25 जुलाई, मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इलेक्शन 25 जुलाई का हारने के बाद। हाँ, कराची वालों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा है। मैं अगर जीतता, मेरी पार्टी जीतती, तो हमारी तो स्लीपलेस नाइट्स शुरू हो जाती कि हमें फिर नींद नहीं आती, रातों को जाग रहे होते, अपने MPs को दौड़ा रहे होते गलियों में और काम कर रहे होते। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अब ये फैसला करना है कि मेरे ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था, आज ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शामिल है। तो मुस्तफ़ा कमाल का, मुस्तफ़ा कमाल के साथियों का कोई भी नुकसान नहीं है, नुकसान कराची के लोगों का है। हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लोगों को अपने लोगों के सामने जाकर खड़े होंगे, लोगों से कहेंगे कि आज भी मैं कहता हूं कि लोगों NA-247 और PS-111 में अपने लिए एक नया ऑप्शन क्रिएट करें। हमने जाकर इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना और ना ही जाकर उनसे वजारत मांगनी है। हमने तो इस हुकूमत में, इस हुकूमत को अगर हमारा एक MNA और एक MPA जीता तो वो जाकर असेंबली में इन मौजूदा हुकूमत को कराची के मसाइल के ऊपर आगाह करेगा, और आगाह जिस तरह से, जितनी अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने 5 सालों तक इस शहर में रातों को जाग कर इसके मसाइल को समझ कर इसको हल किया है, किसी और के पास ये तजुर्बा नहीं है। हम ही इस शहर को दोबारा ठीक कर सकते हैं, लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। तो लोगों से कहता हूँ कि लोगों माजी को भूल जाओ, आज मौका है, अपने लिए एक नया ऑप्शन क्रिएट करो। PSP के वतन परस्त नुमाइंदे डॉक्टर अशद वोरा को NA-247 से, PS-111 से डॉक्टर यासिर को वोट दीजिए, डॉल्फिन पे मोहर लगाइए, अपने इन नुमाइंदों को भेजिए। आप देखेंगे कराची की वॉइस हम किस तरह बनते हैं। 20 MNAs की आवाज़ एक तरफ, हमारे एक MNA की आवाज़ जो है वो कराची के मसाइल के हवाले से अलग नज़र आएगी इंशाल्लाह।